इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फीचर बताने वाला हूं जो कि आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, जिसका नाम है कंटेंट अवेयर। बट इसकी पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा हो सकती है ये आपको आज के इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा कुछ नई चीजें सीखने के लिए। तो कंटेंट अवेयर से चीजें हम हटाते भी हैं और लाते भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आपके स्क्रीन के सामने एक इमेज यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। इस इमेज को अगर हम किसी ऐसे थीम के लिए, किसी ऐसे कवर पेज के लिए यूज करना चाहें जिसमें हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा करना चाहें, तो चलो मैं सबसे पहले तो अनलॉक कर लेता हूँ लेयर को डबल क्लिक करके। और यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है ना, अगर आपका बैकग्राउंड का कलर कुछ और आ रहा है तो राइट क्लिक करके आप चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अगर फ्रेम का साइज चेंज करना है, मान लो आपकी एक पोस्टर बनानी है जिसमें हाइट ज्यादा है आपकी, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले तो हम चले जाएंगे क्रॉप टूल पे। यहाँ पे चले जाओगे आप, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है, साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लूंगा, मान लो मैं इतना बड़ा कुछ रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे टिक मार्क में क्लिक करेंगे या कीबोर्ड में एंटर को प्रेस करेंगे। जब आप इसका सिलेक्शन करते हो, ये जो एरिया है हमारी वो खाली है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस एरिया को हमें एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। एक चीज जो आसान तरीका हमारे सामने ये होता है कि हम चीजों को स्केल कर लें और बड़ा कर लें। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जहां पे आप स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसे स्केल कर रहे हो तो कैरेक्टर ज्यादा स्पेस लेने वाला है, इस एरिया को हम इसी कलर को कंटिन्यू करके जो है वो फिल करना चाहते हैं इस थीम के साथ, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर ले नए हमारे चैनल पे, तो लाइक एंड शेयर करें गाइस। ओके, तो मैं सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लूंगा लेयर का, इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे माउस के बटन को होल्ड करके रखेंगे। एरिया को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मार्कर टूल को मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल, ध्यान से देखिएगा, एम शॉर्टकट है इसका। जो रीजन हमारी खाली है ना, इसको लेते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे ताकि वो बीच में कोई गैप हमें ना दिखे, एक लाइन का भी गैप ना दिखे। अब यहाँ पे लेयर का अगर सिलेक्शन है तो राइट क्लिक आप कर सकते हो, हमारे पास एक ऑप्शन आती है फिल की, एक ऑप्शन कंटेंट अवेयर की, यहां से भी आप जा सकते हो। आसान शब्दों में अगर आप समझो तो ये बहुत ईजी वाला वे है, कंटेंट अवेयर के थ्रू से भी जाया जा सकता है। क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपको ये एक रीजन दिखा रहा है, ये है प्रीव्यू, मतलब पहले का, और फाइनल हमारे पास कुछ इस तरीके का एक आउटकम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जो एरिया हमारी खाली थी, इस सोर्स इमेज से, इस पार्ट से कुछ चीजें लेके फोटोशॉप ने खुद से इस खाली जगह को फिल कर दिया, और आपको सिर्फ और सिर्फ ओके में क्लिक करना है, दैट्स इट, हो गया। अब ये जो सिलेक्शन है हमारा काम हो चुका है, तो मैं इसे जाके डी सेलेक्ट में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक चीज मैंने आपको ये बताई कंटेंट अवेयर का फीचर, जिसमें हम जो एज जो स्पेस है हमारे पास, अगर आप गौर से देखो ना तो ये एडिशनल हमें ये चीजें मिल गई हैं, और बिल्कुल उसी फ्लो के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल उसी फ्लो के साथ, आप इसे चेंज नहीं करना, आप इसे इसी तरीके से रखना। अगर आप दोनों लेयर को मर्ज करना चाहते हो तो शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मर्ज लेयर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया था उसे हमने एक्सटेंड कर दिया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। कई बार हमें कुछ चीजें हटानी होती हैं, और हटाने के लिए भी कंटेंट अवेयर को हम इस्तेमाल करते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे ताकि लेयर हमारा अनलॉक हो जाए। अब यहाँ पे कुछ फाइटर जेट आपको स्क्रीन में देखने को मिल जा रहे हैं, आप इसकी जगह किसी दूसरे इमेज पे भी ये चीज अप्लाई कर पाओगे। तो अभी मुझे फाइटर जेट में किसी एक फाइटर जेट को हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा, इसके लिए सिलेक्शन करना बड़ा जरूरी होता है। अब रेक्टेंगल टूल हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ ऐसा सिलेक्शन चाहिए जिसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पूरा एरिया कवर नहीं होगा, अगर हम इसके एरिया को कवर करेंगे तो दूसरा भी कवर हो जाएगा, जो कि नहीं करना है हमें। कंट्रोल डी से पहले तो डी सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के फोटोशॉप में काफी सारे मेथड हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है लासो टूल का, फ्री हैंड लासो टूल को लेंगे, माउस के बटन को दबा के एक रफ सर्कल या फिर एक ऐसा शेप बनाएं जो आपके उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट या फिर उस कंप्लीट चीज को कवर अप कर ले, और इसके बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अगर ऑप्शन डिजेबल आ रहा है, इसका मतलब कुछ चीज है जो आपने मिस करा, और वो है लेयर का सिलेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आप लेयर का सिलेक्शन कर लोगे और फिर जाके राइट क्लिक करोगे तो जरूर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। फिल में भी जाके कर सकते हैं, स्ट्रोक का फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस। अब चलते हैं फिल पे, फिल में जाएंगे तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर को आपको चूज कर लेना है। ओके, ध्यान रखिएगा कि 100% होना चाहिए। ओके में क्लिक करेंगे, कुछ एक सेकेंड में ऑटोमेटिकली फोटोशॉप इसे हटा देगा। इसके बाद सिलेक्शन में जाके डी सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट मेन्यू और डी सेलेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दो चीजें होती हैं फोटोशॉप में कंटेंट अवेयर से, एक है जिसे हम हटाते हैं, दूसरा है जिसे हम लाते हैं। अगर आपको कंप्लीट एरिया को ही क्लीन करना है, यानी पूरे बैकग्राउंड को ही क्लीन करना है, तो उसके लिए भी आप कंटेंट अवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्शन बना लिया, शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट F5
या फिर आप एडिट में भी जाके सेम ऑप्शन को यहां से देख सकते हैं, शॉर्टकट भी मेंशन है। फिल में जाके सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कंटेंट अवेयर यहाँ पे चूज कर ले और ओके में क्लिक करें और थोड़ा सा वेट कर ले, ऑटोमेटिकली फोटोशॉप आपका काम आसान कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, कुछ चीजें आपने सीखी होंगी, हो सकता है कुछ चीजें आपको पता हो, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिल गई हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। फोटोशॉप के डिटेल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है वो लिंक को शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय एंड टेक केयर गाइस।